ओले यार मेरा बाल। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। और आज है शनिवार, जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, तभी मैं मेरी बालकनी में निकलती हूँ। आज मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है तो क्या यार, गले में खराश हो गई मेरे। जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तभी यहाँ आती हूँ। और ये देखो क्या हाल हो रखा है लखनऊ का। मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों से बोला था कि ये कोहरा है, बट कल मैं जब टीवी पे न्यूज़ देख रही थी तब मुझे पता चला यार कि ये सब पॉल्यूशन है। दिल्ली लखनऊ सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इस चीज़ से। देखो और फोड़ो आप लोग पटाखे, और फोड़ो जितना फोड़ना है फोड़ दो। दीपावली चली गई फिर भी आप सुनेंगे ना तो पट 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 यार, करवा चौथ भी पटाखे कौन फोड़ता है, बट लखनऊ वाले फोड़ते हैं। हम पता है, मैं करवा चौथ के दिन छत पे गई थी पूजा करने, चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे। ट्रेन जा रही है तो हमें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे हमें ही नुकसान हो। यार पटाखे फोड़ने में क्या मजा है। एक हिसाब से ना आप लोग पटाखे फोड़ते हो, समझ लो आप लोग अपने ही पैसे जलाते हो। पटाखे फोड़ना मतलब खुद के पैसे को जलाना। मैं तो पटाखा, चले जाओ भाई लोग आप लोग, आज मुझे सभी सही करना है। ये ट्रेन चली जाए तभी मैं बोलूँ, नहीं तो सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। तो कल मैं गई थी, लेके आई हूँ सब कुछ, क्या बोलते हैं, क्या लेके आई हूँ, हाँ मिट्टी, क्या बोलते हैं ठीक है सब लोग बोलते थे, आपका फेवरेट डायलॉग यही है, हम लोग भी यही सीख गए हैं, माइंड मत करना, ठीक है क्या बोलते हैं तो हंसी आती है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, आप लोग जो सीख जाते हो कॉपी करते हो। कर लो मेरे मुँह में भी बाल चला गया, कतरी गया। देखो मैंने कल रात में डायमंड वाली पहन ली, अच्छी लग रही है ना, छोटी छोटी सी। कई लोग बोल रहे थे आप भी पहन नहीं रहे हो, लेके तो आए हो पहन नहीं रहे हो, तो मैंने कहा आप लोग बोल रहे हो तो मैं पहन लेती हूँ। और आज चल रहा है हमें मार्केट, शनिवार है, मार्केट नहीं आज कहीं और चल रहे हैं, चलने का प्लान है। जब हम उठे थे ना तब हमारी दीप से बात हो गई थी, तो उन्होंने कहा चलते हैं कहीं, क्योंकि आज बैंक ऑफ है, कल भी ऑफ है, इसके बाद परसों से बैंक चालू हो जाएगी, इसको बंद कर दूँ। कई लोग बोल रहे थे दी आप ना बालकनी जो है वो पूरा वो करा दीजिए, पैक करा दीजिए। तो भैया ये रेंट का है और मकान मालिक ये सब करने की इजाज़त नहीं देते हैं, तो हम चाह के भी कोई इस यहाँ पर बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहा ना, तो पक्का प्रॉमिस एक साल के अंदर हम हमारे खुद के घर में होंगे। सोच रहे हैं, इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले जरूरी था ससुराल वाला घर, उसको सही कराना, तो हम करा ही रहे हैं। और इसके बाद खुद का घर भी हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं आप अपने ससुराल वाले घर को अपना नहीं मानते, तो ऐसी बात नहीं है यार, हमारे ससुराल वाले घर को अपना नहीं मानते, हमारा ही घर है वो, लेकिन हम वहाँ थोड़ी रह रहे हैं, तो जहाँ रह रहे हैं हमें रेंट पे रहना, सच बता रहे हैं, जब हर महीने इतना ज़्यादा रेंट जाता है तो दर्द होता है। ठीक है हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मानते हैं ये चीज़ भी, हम मानते हैं कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं कि हम खुद का घर ले पाए, बट हाँ अगर हम ईएमआई करा लेंगे तो भी जितना हम रेंट दे रहे हैं उतना ही जाएगा। ये हमारा मानना है कि जितना हम रेंट दे रहे हैं उतना ही जाएगा, हमें एक सुकून रहेगा कि हाँ ठीक है, जितनी ईएमआई कट जाएगी लगेगा कि हाँ इतना भार उतर गया ना, बट इस रेंट का देने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो लगता है यार कि दूसरे के घर में रह रहे हैं, अपने घर का जो सुकून है वो दूसरे के घर में नहीं होता है। यहाँ हम जाकर भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर सोचो कुछ यहाँ पर सजा लें, कुछ कर लें, तो नहीं कर सकते हैं, मकान मालिक अलाउ नहीं करता है। तो हम यहाँ पर चाहकर भी ज़्यादा चीज़ें ये नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए। बट आप लोग ऐसे ही अगर प्यार करते रहना तो सच में वो दिन दूर नहीं है जब हमारा भी घर हो जाएगा। आप लोग गिव अवे विनर का अनाउंस कर रहे हैं काफ़ी बेसब्री से, दो दिन बाद मैं करूँगी। इसी बीच मुझे मैंने कुछ लोगों को सोचा था कि उनको विनर बनाऊँगी, बट उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज आया, इतना ज़्यादा, मैंने कुछ स्क्रीन शॉट भी लिए हैं, मैं एक वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। यार लोग इतना रूड बिहेव कैसे कर सकते हैं ये बताओ। मैंने आपसे पैसे लिए नहीं लिए ना, बट मेरा अगर मैं चाहूँ तो ना रखूँ, काफ़ी सारे यूट्यूबर नहीं रखते हैं, ना चाहूँ तो ना रखूँ ना, बट मुझे दिल से लगता है कि हाँ जिनकी वजह से मैं हूँ उनको भी, उनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं करती हूँ। थोड़ा सा टाइम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा है, तो 1 लाख लोग को मैं नहीं दे सकती। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया गाइस, जितने पास पैसे नहीं है कि 1 लाख लोग को मैं गिफ्ट दूँ, तो कुछ को ही सिलेक्ट कर सकती हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि रियल सब्सक्राइबर कौन है। आज पता नहीं कैमरे में क्या हुआ है, कहीं कहीं से रेडियस, कहीं से कुछ ऐसे आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है।
तो हाथ मेरा दर्द हो रहा है, हर ब्लॉग में यही प्रॉब्लम होती है, बोलती हूँ हाथ दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं सैमसंग की मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ, ब्लॉगिंग इससे करती हूँ, आप लोगों से तो बताया ही ना। एडिटिंग यार आप लोग शायद मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते हो, अभी तो मैं फिल्मोरा से करने लगी हूँ, उसका लोगो भी रह जाता है वीडियो के लास्ट में, तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पूछेंगे नहीं, सेम क्वेश्चन मुझे हर वीडियो में देखने को मिलता है कमेंट की, आपसे इतनी बार पूछ रहे हैं एडिटिंग आप किससे करते हो, बता ही नहीं रहे हो, तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लास्ट में दिख ही जाता है कि मैं किस ऐप से एडिटिंग कर रही हूँ। लोग 8:30 बजे या 8 बजे ही उठते हैं जब दीप का बैंक ऑफ रहता है, क्योंकि हम लोग लेट नाइट में सोते हैं, 12-1 कभी 2-3 बज जाता है, इतना लेट हम सोते हैं, हमारा काम ऐसा है एडिटिंग। हाँ बोलो बाबू, सही है ना। ये देखो मेरा बच्चा, इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, जुखाम उखाम हो गया इसको। हाय कर लो सबसे। हाय। अभी रात को जुखाम नहीं हुआ था। रात को जुखाम नहीं हुआ था, जुखाम हो गया इससे। इनको भी आइसक्रीम चाहिए है, आइसक्रीम गंदी चीज होती है बेटा। नहीं। हाँ कल रात में इनकी आइसक्रीम की डिमांड नहीं दे रहे थे, तो आंसू इनके बंद ही नहीं हो रहे थे, इतना ज्यादा ये रो रहे थे। चलो मैं आती हूँ। तो क्या मैं बोल रही थी, देखो मैं भूल गई, पता नहीं क्या भूल जाती हूँ, दिमाग ये मेमोरी मेरी थोड़ी सी कम है, तो बस यही था जो भी था भूल गई मैं, अब बाद में बात करूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी, फटाक से रेडी हो जाऊंगी, रेडी होने का मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि आने के बाद मुझे हेयर ऑयलिंग करनी है, और आप लोग पूछ रहे थे दी कोई अच्छा सा हेयर ऑयल बताइए, तो मैं वो भी बताने वाली हूँ। ऑनियन वाला मैंने बताया था, बट कई लोग बोल रहे थे दी ऑनियन वाला मुझे उतना नहीं लग रहा है, मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो हेयर की लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो उसके हिसाब से कुछ बताइए, तो मैं आने के बाद आपको बताऊंगी। तो चलो मैं आपसे कुछ टाइम बाद मिलती हूँ, ठीक है, तब तक के लिए बाय। तो अब हम घर से निकल रहे हैं, आप लोग भी चलो साथ में एंजॉय करते हैं। आप लोग बताओ ये प्लेस कहाँ का है, जल्दी जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। सो गाइस हम लोग आ गए हैं जानेश्वर मिस्र पार्क। ये देखो नया ने रिकॉर्ड कर लिया, मैं यहाँ पर पानी पूरी खा रही हूँ, कई जगहों पे बतासे हम लोगों के यहाँ फुल्की बोला जाता है, लखनऊ में बतासे बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर पानी बतासे खा रही हूँ, दीप को भी खिला रही हूँ साथ में, व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इंजॉय कीजिए आप लोग भी घर बैठे, यहाँ लखनऊ घूम लीजिए। वैसे तो हम और दीप साथ में ही रहते हैं, बट सालों बाद ऐसा दिन आया है हमारी लाइफ में कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छा, इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हैं। नहीं तो उनकी बिजी लाइफ, बैंक वालों को सच बता रही हूँ, पहले तो मैं सोचती थी ना कि 9 to 5 जॉब होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, रात में 9, 9:30, 10 बजे आते हैं, तो हम दोनों के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छे से बात कर ले, बट फाइनली आज हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड किए हैं एक दूसरे के साथ में, अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। आज जब दीप साथ में होते हैं ना तो टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है कि पूछो ही मत, सैड संडे कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, और जब नहीं रहते हैं तो टाइम ही नहीं बीतता है। हाँ तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो ना हमारे साथ में, ये देखो हमारी इनकी मस्ती, जान बूझ के परेशान करते रहते हैं, वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, भागते रहते हैं, वो तो मैं खींच खींच के ले आती हूँ। ये देखो क्या हुआ है। बाबू का बैलून फूट गया, रोने लगा हुआ बेचारा। तो हम लोग टहलते टहलते थक गए, इसलिए बैठ के थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। एरोप्लेन एरोप्लेन नहीं एरोप्लेन नहीं एरो
अच्छा आप लोग यहाँ पर आए हो कि नहीं? नहीं आए हो तो एक बार आओ, घूम जाओ। एक चीज मैं आपको बताऊँ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ना 6 से 8 कोई टिकट विकट नहीं लगता है, 6 से 8 फ्री होता है। तो आप लोग बिना टिकट आ जाओ, 6 से 8 आके इंजॉय करो यार, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर मन आसान होना, कहीं दिल नहीं लग रहा हो तो एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आ जाओ, यहाँ पर काफ़ी सुकून मिलता है। इसलिए हम लोग आ गए और आज आके हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी हम लोगों ने, अच्छा लगा। ये देखो मैं गिरते गिरते बच गई। अच्छा सुनो, इस वीडियो को शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ठीक है, ताकि वो लोग भी घर बैठे इंजॉय कर सके। एक चीज तो मैंने नोटिस करी, लखनऊ को लखनऊ बनाने में ना काफी ज्यादा योगदान रहा है माननीय अखिलेश यादव जी का। जहां पर भी देखो ना, जो भी अच्छी चीजें बनी है उन्हीं के द्वारा बनी हुई है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये है MiG-21। यहाँ पर एक शिला लेख भी मिल जाता है जिसपे लिखा हुआ होता है कि ये सब अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया है। तो ये चीज़ मुझे जानकर काफ़ी अच्छा लगा। नहीं तो लखनऊ में, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, वो तो है ऐतिहासिक स्थल तो है, बट कुछ खास देखने लायक नहीं था। जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है अखिलेश यादव जी की ही वजह से हुआ है। व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, कौन कौन एग्री करता है कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए MiG-21 का लोकार्पण श्री अखिलेश यादव जी इन्हीं के मतलब द्वारा हुआ है। तो इसी से पता चलता है कौन कौन एग्री करता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि लखनऊ को लखनऊ बनाने में मेन रोल प्ले करते हैं अखिलेश यादव जी। जैसे आप देख लीजिए, गोमती रिवर फ्रंट हुआ एंड ये हुआ, काफ़ी कुछ है जो अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया है। तो इस ये चीज़ मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखो कौन जा रहा है, सही पकड़े हैं दीव है, घूमते घूमते थक गए, काफ़ी बड़ा बनाया और हम लोग पैदल ही जा रहे थे इसलिए थक गए। बाबू खूब ज़्यादा परेशान कर रहा है इनको। एक बार आप यहाँ रात में ज़रूर जाइएगा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो बस अब हम लोग भी वापस चल रहे हैं। तो अब हम लोग निकल गए हैं वहां से और ये देख रहे हो ना आप, ये सब कुछ पॉल्यूशन है इतना, मतलब लग रहा है कोहरा पड़ा हुआ है बट कोहरा नहीं है। अब आप इससे ही समझ सकते हो कि लखनऊ का क्या हाल हुआ है। तो चलो अब मैं आप लोगों से कुछ टाइम बाद मिलती हूँ, तब तक आप लोग रास्ते का एंजॉय कीजिए। सो गाइस हम लोग हैं लोहिया पथ, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या मैं बोलूं, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। क्लिप थोड़ी सी बड़ी हो गई है, एंजॉय कीजिएगा आप लोग मेरे साथ, लखनऊ घूम लीजिए। हम लोग काफी धीरे धीरे चल रहे हैं। बाबू सो गए हो, देखो सो गया है, नेहा है और डीप ड्राइविंग कर रहे हैं। अब चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी स्वेटर लेना है, ठंडी भी स्टार्ट हो गई यार, रूम में रहते हैं तो पता नहीं चलता है। 45 अच्छा, अभी घर आ रही हूँ। हम लोग ज्यादा कहीं नहीं गए, काफी ज्यादा थक गए, मेरे तो पैर में छाले पड़ गए क्योंकि मैं हील पहन के चली गई थी और ज्यादा दूर पैदल चलना पड़ गया, तो इसलिए ज्यादा तो मैं चलती नहीं हूँ, कभी कभी चलना होता है। तो अब मैं चल रही, थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग कर लूंगी, सुबह हेयर वॉश करना है। हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यूज करती हूँ वाओ का एर्गन हेयर ऑयल एंड काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेयर लेंथ थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलो मैं थोड़ा सा यूज करके दिखा देती हूँ, यानी लगा के दिखा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। थोड़ा सा मैं मेरे पंप पे ही ले लेती हूँ कुछ इस तरीके से, मैं ज्यादा नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे करके
वाह, काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है और इसकी प्रेगनेंस माइंड ब्लोइंग है। तो अगर आप लोगों को ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को ज्यादा लगाना है तो आप कॉटन बॉल की हेल्प से लगा सकते हो, बट मैं सिर्फ ऐसे फिंगर की हेल्प से मेरे रूट में ही लगा रही हूँ एंड यहाँ पर लगा लूंगी, मुझे ज्यादा नहीं लगाना है। और सुबह मैं हेयर वॉश कर लूंगी, अगर मैं ज्यादा तेल लगा लेती हूँ तो मुझे बेचैनी और घबराहट सी होने लगती है, इसलिए तो मैं हल्का हल्का सा ही लगा रही हूँ और लगा के मैं सुबह धुल लूंगी। और अभी मेरे आप लोग काफी ज्यादा खटपट की आवाज सुन रहे हो ना, तो पता नहीं यार कौन सा काम चल रहा है, रात के 9:30 भी यहाँ हो रहा है, सुबह ही मेरे ऊपर ही बन रहा है कुछ खटपट, मैं भी परेशान हो गई हूँ। तो बस चलो जब तक मैं इसे लगाती हूँ तब तक आप लोग रिव्यू देख लो, इंग्रेडिएंट लिस्ट वगैरह देख लो, अगर आप लोगों को लेना हो तो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, लिंक के थ्रू जाके आप ले सकते हो। सो ये देखो थोड़ा सा ही मैंने लगाया, बट मेरे हेयर देखिए आप, है ना। सो गाइज मैं बात कर रही थी वाओ स्किन साइंस मोरक्कन अर्गन हेयर ऑयल के बारे में। इसे यूज करना मुझे काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि ये नॉन स्टिकी है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है नॉन स्टिकी हेयर ऑयल फॉर स्ट्रॉन्गर थिकर एंड ग्लॉसर हेयर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हेयर है वो स्ट्रॉन्ग रहे एंड देखने में ग्लॉसर लगे तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं सभी 100% नेचुरल हैं, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। इसमें मिनरल ऑयल सिलिकॉन भी नहीं है, क्रुएल्टी फ्री, 100% वेगन है एंड ग्लूटेन फ्री है, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके हेयर पे हार्म पहुंचाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैं इसी के बारे में बात कर रही थी आपको। आपको नेट वेट मिल जाएगा 200 ml ओनली 599 इसकी प्राइस है, बट हमेशा इस पे डिस्काउंट चलता रहता है, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है तो आप लिंक के थ्रू जाके चेकआउट कर लीजिए। सो चलो डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में कि इंग्रेडिएंट आप यहाँ पर देख लीजिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल एंड स्वीट आलमंड ऑयल, मोरक्कन अर्गन ऑयल, ग्रेप्स ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो आपने देखा जितने भी इंग्रेडिएंट है सभी 100% नेचुरल है। यहाँ पर आप देखिए मोरक्कन अर्गन ऑयल को ऑल्सो लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में एक अच्छी सी साइन रहे तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है, लिंक के थ्रू जाके आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। डरने की कोई बात नहीं, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके हेयर पे हार्म पहुंचाए, हाईली रिकमेंडेड है गाइस। सो एक बार आप इसे चेकआउट जरूर करना। ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई वीडियो रिक्वेस्ट या हो सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर लाइक करके जाए। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। आज दीजिए इजाजत, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय गाइस।